दोस्तों, अगर आप भी एक लैपटॉप फाइंड कर रहे हैं अंडर रुपीज 50 to 60 के, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो देख लेने के बाद आप लोगों का फाइंडिंग जो है और भी इजी हो जाएगा, या फिर कह लीजिए खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 बेस्ट लैपटॉप लेके आया हूँ अंडर रुपीज 50 to 60 के। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों, तो आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप बाय कर पाएंगे। और उसी के साथ अगर आप लोगों को लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके फ्यूचर में भी ऐसे ही कंटेंट्स का नोटिफिकेशन टाइमली पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊं, उसके पहले आइए देख लेते हैं कि आप लोग इस प्राइस पॉइंट में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में अगर आप लोगों का बजट है दोस्तों, तो आप लोगों को ज्यादातर सीपीयू में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 2000 ऊपर नीचे करके दीजिएगा, तो आप लोगों को थोड़े अच्छे सीपीयू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लाइक आप लोगों को 53K में राइजन 5 का क्वाड कोर सीपीयू मिलता है, 3550H वाला। थोड़ा ऊपर जाइएगा तो आप लोगों को इंटेल का भी सीपीयू मिल जाता है। और अगर आप लोग 60K इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आप लोगों को लेटेस्ट 4600S सीरीज के राइजन 5 का हेक्सा कोर सीपीयू भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ये सीपीयू है अंडर 60K में। और स्टोरेज में भी आप लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बजट यहाँ पर खर्च कीजिएगा, तो आप लोगों को HDD का भी वेरियंट मिल जाएगा, और 1650 Ti और 1650 का भी आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका बजट यहाँ पर 53K है। सो अगर आपका बजट 53K है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं एसर का एस्पायर 7 जो की 1650 Ti के साथ आता है। इसी प्राइस पॉइंट में आप लोगों को 1650 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ ही आप लोग इस लैपटॉप को बाय करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आप लोगों को इस तरह का और भी एग्जांपल के साथ कंफ्यूजन देखने को मिल जाएगा। तो रिकमेंडेड यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक को ही चेकआउट कीजिए। तो आइए इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इसमें AMD के राइजन 5 के प्रोसेसर मिलेंगे 3550H वाले, और NVIDIA का GTX 1650 Ti मिल जाता है। जी दोस्तों, 1650 Ti आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट में देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। 8GB का DDR4 RAM है आप लोगों के लिए, 512GB का SSD है, और बैटरी जो है काफी बड़ा यहाँ पर 48 Wh का दिया गया है। और डिस्प्ले साइज जो है दोस्तों 15.6 इंचेस का FHD डिस्प्ले मिलेगा। लाइट वेट लैपटॉप है। तो अगर आप लोगों को ये लैपटॉप पसंद है दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि 53K अगर बजट है तो इसी के साथ जाए, क्योंकि ये लैपटॉप काफी बढ़िया है दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए MSI का GF63 का भी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इस लैपटॉप को तभी रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों को Acer Aspire 7 में जो स्टोरेज एक्सपेंशन का इशू है वो बाद में नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें इंटेल का कोर i5 9th जनरेशन का सीपीयू मिलता है, और 1650 विद मैक्स क्यू डिजाइन वाला NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। स्टोरेज वाइज यहाँ पर आप लोगों को 1TB का HDD देखने को मिलता है, लेकिन इसका एक SSD वेरिएंट भी आता है। तो अगर आप लोग 2000 ज्यादा देंगे दोस्तों, तो आप लोगों को SSD वाला वेरिएंट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। और 8GB का DDR4 RAM इसमें भी मिल जाता है। और बैटरी बैकअप जो है दोस्तों, आप लोगों को Acer Aspire 7 से थोड़ा सा यहाँ पर वाट आवर ज्यादा आप लोगों को मिलेगा, जो कि 51 Wh का बैटरी है, और लाइट वेट ये लैपटॉप काफी है दोस्तों। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि Acer अगर नहीं चाहिए, तो आप लोग MSI के साथ जा सकते हैं। और नहीं तो आप लोगों को अगर एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, तो आप लोगों के लिए Asus Stuff भी काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को Ryzen 5 के ही CPUs देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड में आप लोगों को Ti तो नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल आप लोगों को 1650 देखने को मिलेगा। FPS में कुछ ज्यादा डिफरेंस आता ही नहीं है दोस्तों Ti और 1650 नॉर्मल में, तो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं। सेम आप लोगों को RAM मिलेगा, और इसमें भी अच्छी बात यह है कि आप लोगों को 512GB का SSD दिया गया है, और इसमें कोई भी एक्सपेंशन का इशू नहीं है दोस्तों। आप लोग RAM भी बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और आप लोगों को डिस्प्ले साइज भी जो है इसमें काफी बड़ा मिलता है, और बेजल्स इस लैपटॉप में काफी छोटे हैं। और बैटरी बैकअप का तो क्या ही कहना दोस्तों, आप लोगों को 64 Wh का बैटरी मिल जाता है। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन काफी बढ़िया ये लैपटॉप है दोस्तों। अगर आप लोगों को गेमिंग लैपटॉप चाहिए अंडर 55K में चाहिए, तो ये लैपटॉप काफी बढ़िया है दोस्तों, मैं इसको रिकमेंड करता हूं। तो अगर आप लोगों को MSI Acer से थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम है, तो आप लोग Asus के साथ जा सकते हैं। काफी बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस भी Asus में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए लिस्ट में और भी लैपटॉप के ऑप्शन है, लाइक आप लोग यहाँ पर Acer का Nitro 5 भी देख सकते हैं। सेम आप लोगों को CPUs यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम आप लोगों को ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलता है, सेम स्टोरेज रहने वाला है, सेम आप लोगों को RAM रहने वाला है। बैटरी बैकअप यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्प्ले साइज भी यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और वेट के मामले में ये थोड़ा सा आप लोगों को हल्का लग सकता है। तो ये लैपटॉप भी आप लोगों के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोगों को एक लैपटॉप चाहिए Acer की तरफ से, तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और भी काफी
काफी लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से दे दूंगा, तो उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और लास्ट में बात करें दोस्तों, सबसे बढ़िया लैपटॉप मुझे लगा जो कि 60K में आप लोगों को देखने को मिलता है, वो है लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3। जी हाँ दोस्तों, ये लैपटॉप आता है राइजन 4000 सीरीज के चिपसेट के साथ। आप लोगों को राइजन 5 के हेक्साकोर सीपीयू इसमें देखने को मिलेगा, एनवीडिया का GTX 1650 देखने को मिलेगा, और स्टोरेज के मामले में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि आप लोगों को 1TB के SSD के साथ साथ 256GB का SSD भी मिल जाता है। तो SSD में आप लोग विंडोज आराम से यहाँ पर इंस्टॉल कर पाइएगा, और ओवरऑल लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बूट टाइम भी काफी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, और 8GB का रैम तो मिलता ही है। बैटरी बैकअप यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 45 वाट आवर का बैटरी है। वेट वाइज काफी यहाँ पर लाइट वेट लैपटॉप है, और फुल HD का 15.6 इंचेस का तो डिस्प्ले आप लोगों को मिलता ही है। तो ये ओवरऑल पैकेज यहाँ पर लिनोवो की तरफ से आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों का बजट 60K है तो आप लोग इसके साथ आराम से जा सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप काफी बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करता है अंडर बजट। तो अंडर 60K है तो ये लैपटॉप को आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। थोड़ा सा कम है तो आप लोग लिस्ट में और भी लैपटॉप है उनको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। इन पांचों लैपटॉप के अलावा भी आप लोगों को काफी लैपटॉप्स के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अलग अलग प्राइस पॉइंट में, तो आप लोग जरूर वहां पे जाकर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और चैनल पे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो लोग भी अपने लिए एक बढ़िया सा लैपटॉप फाइंड कर पाए अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और आप लोगों को अगर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आकर आराम से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यही सारे बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।